महाराज कितनी बार सुन ली भागवत कथा, का होगा कथा सुनने से। प्यारे ये पुरानी होके भी नई है हर बार। भागवत कथा पुरातनम इति नवः सा पुराणः। पुराण क्या होता है? जो पुराना होके भी नया हो। और भागवत से बढ़िया पुराण कौन सा हो सकता है? इसलिए जितनी बार सुने कथा उतनी जीवन की व्यथाएं समाप्त होएं। प्रभु आज उदाहरण दिए बड़े बड़े हैं कि दूध को पी के घृत का स्वादन नहीं किया जा सकता, गन्ने को खा के गुड़ का स्वादन नहीं किया जा सकता। गन्ने को गुड़ बनने के लिए कितनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, दूध को घी बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये भागवत कहते हैं उसी दूध का पका पका के घी बनाया गया महाराज, उसी गन्ने का पका पका के गुड़ बनाया गया रस है। इसलिए इस छने हुए रस को तुम भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओ। का महाराज फिर आपसे बढ़िया वक्ता कौन हो सकते हैं? कहते हैं हरिद्वार के आनंद घाट के ऊपर भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्म ऋषि कथा सुनाते हैं। कथा सातवें दिन में प्रवेश करती है, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के संग खड़ी होकर नृत्य करती है। नृत्य करती है भक्ति महारानी। प्रश्न हुआ महाराज ये भक्ति का स्थान कौन सा होएगा? ना हम वसामि वैकुंठी योगी नाम हृदय न च मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। कि ना मैं वैकुंठ में निवास करती हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में निवास करती हूँ। मेरे भक्ति इकट्ठे होके जहां पर मेरे नाम का गुणगान करेंगे मैं वहीं पर निवास करूंगी। यही भक्ति महारानी का स्वरूप है प्यारे, यही भक्ति महारानी का परिचय है। इसलिए कहते हैं इसी भक्ति की पराकाष्ठा भक्ति महारानी का दर्शन आज समस्त संत पुरुष भगवत पुरुष इसी भक्ति महारानी का दिग्दर्शन करते हैं और अपने मन में बिठाते हैं। आइए भक्ति महारानी को हृदय में बिठाते हुए हम और आप सब भी हरि नाम संकीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। Narayan, 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 Naray
नारायण